नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लास्टिक गैल्वेनेटर को काम में लेते हुए अनन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करने वाले प्रैक्टिकल का फाइल वर्क कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आ चुका है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप देख लें। इसका हमारा ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, यह फॉर्मूला जहाँ पर अलग अलग साइन ये इस प्रकार से कहलाते हैं, और इसका हिंदी का ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रक्षेप्य धारा मापी द्वारा अनन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना, ये इसके हमारा उपकरण जहां हमारा एम अनन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। एम इज इक्वल टू आर टी अपॉन टू पाई थीटा वन अपॉन फाई कोष्टक वन प्लस लैम्डा पाई टू, जहां पर एम अनन्य प्रेरण गुणांक टी आवर्तकाल आर प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध थीटा वन प्रथम विक्षेप लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग थीटा वन अपॉन थीटा 11 लैम्डा 6 नियतांक और थीटा 11 हमारा 11वां विक्षेप। ओके, और फाई को हम कहते हैं स्टडी डिफ्लेक्शन एट आर ओम प्रतिरोध। अब इसमें रीडिंग लेने का तरीका, रीडिंग लेने के तरीके को हम सारणी के सहायता से समझे तो बेटर रहेगा। सारणी में जैसे हमने लिया थीटा वन थीटा इलेवन और फाई, यानी पहले रीडिंग में हम थीटा वन और थीटा इलेवन ज्ञात करेंगे और सेकंड रीडिंग लेने के तरीके में हम फाई ज्ञात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि थीटा वन और थीटा इलेवन ज्ञात करने के लिए हम सर्किट को किस प्रकार से पूरा करेंगे। जैसा कि हम अनन्य प्रेरण की घटना से विदित हैं कि जब हम प्राइमरी कुंडली में फ्लक्स में प्रेरित करेंगे तो सेकेंडरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने होता है, इस घटना को हम अनन्य प्रेरण कहते हैं। और इस अनन्य प्रेरण की मात्रा को दर्शाने के लिए हम जिस राशि का यूज करते हैं उसे हम अनन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसके लिए हमने प्राइम सेकेंडरी का परिपथ पूरा करना है पहले, तो सेकेंडरी का परिपथ पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर सी टू डी कनेक्ट कर दूंगा। अब प्राइमरी में फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए मुझे प्राइमरी का बैंट्री के साथ सर्किट पूरा करना है। तो सर्किट पूरा करने के लिए जैसे यहाँ से आते हुए ये प्रतिरोध बॉक्स श्रेणी क्रम में होते हुए यहाँ से हम आ रहे हैं रियोस्टेट के साथ, तो जब हम इस कुंडली को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा प्राइमरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जिससे सेकेंड कुंडली में अनन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे हमारे बीजी में विक्षेप आएगा, और उसके आधार पर हम थीटा वन और थीटा इलेवन नोट करते हैं। आओ इसको देखें। जैसे मैंने सी टू डी कनेक्ट कर रखा है, वैसे अब मैं क्या करूँगा, इस के वन कुंजी को प्रेस करूँगा। जब मैं के वन कुंजी को प्रेस करूँगा तो माना कि ये मेरा हाइस्ट यहाँ तक 18 तक जा रहा है, मैंने प्रेस किया तो मेरे को मालूम पड़ गया कि ये 18 तक हाइस्ट जाएगा, तो उस समय वापस मैं रिलीज़ कर दूँगा। यानी मैंने एक विशेष टाइम से इसको प्रेस करना है, एक टाइम से निकाल लेना, वो ध्यान रखना कि जैसे मैं 18 तक जाने पर निकाल रहा हूँ तो सेकंड टाइम भी करूँगा तो वो मैं विशेष रूप से ध्यान रखूँ। ओके, अब जैसे मैंने इसको प्रेस किया और ये 18 तक गया और मैंने इसको वापस रिलीज़ कर दिया। अब ये यहाँ 18 तक गया और यहाँ पर इस तरफ आ गया, माना कि 19-20 तक आ रहा है, तो यहाँ से मैं जो ये मेरा इस तरफ आएगा प्रेस करने पर उस तरफ गया, उसको मैंने नोट नहीं किया, यहाँ तरफ आया उसको मैंने नोट कर दिया, उसको थीटा वन। अब थीटा इलेवन नोट करना है, तो थीटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अगेन मैंने थीटा 11 नोट कर लेना है। तो ये हमारे थीटा वन और थीटा 11 रीडिंग लेने की प्रक्रिया रहती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर थीटा वन कितना आ रहा है, 9.2, तो 9.2 हमने कैसे लिया, जैसे हमने इसको सी टू डी कनेक्ट कर रखा था, इसको प्रेस किया, ये हमारा इस तरफ गया, उसको नोट नहीं किया, इस तरफ आया तो थीटा वन नोट कर लिया, अगेन हमने इसको गिना तो ये हमारा लगभग जैसे 9 यहाँ आया तो हमारा थीटा 11 ये आ गया यहाँ पर, इस प्रकार से ये 9.2 जैसे यहाँ आया और थीटा 11 हमारा यहाँ आ गया। ओके, इस प्रकार से थीटा 1 और थीटा 11 को हमने नोट कर लिया। अब सेकंड बारी आती है हमारे फाई को ज्ञात करने की, तो फाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे बी टू डी और ए टू सी, यानी इस परिपथ को हम पूरा कर देंगे। अब रीडिंग लेने में विशेष रूप से आप ध्यान क्या रखें कि हम जब थीटा वन और थीटा इलेवन ज्ञात कर रहे हैं तो हम किस के आधार पर रीडिंग ले रहे हैं, अनन्य प्रेरण की घटना के आधार पर, तो प्रतिरोध का खास इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिरोध अनन्य प्रेरण का मान किस पर निर्भर करता है, इस कुंडली के फेरों की संख्या पर, तो वहाँ पर इसका प्रभाव नहीं आने वाला है। यानी थीटा वन और थीटा इलेवन की रीडिंग हमारे लगभग सेम ही आ रही है, लेकिन जब हम फाइव की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को पूरा कर रहे हैं, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया ए टू सी और बी टू डी कनेक्ट कर दिया। ओके, ये सर्किट इस प्रकार से है जो हमारा पूरा हो गया। अब प्रतिरोध बॉक्स हमारा भी हमारा सेकेंडरी के साथ भी है और प्राइमरी के साथ भी है, यानी प्रतिरोध बॉक्स अब परिपथ में पूर्ण रूप से काम करेगा। तो जैसे मैं एक ओम प्रतिरोध भी निकालूं तो उसका भी धारा पर प्रभाव पड़ेगा, दो ओम निकालूं या 0.1 या 0.2 ओम कोई भी प्रतिरोध निकालता हूं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा परिपथ में। तो अब फाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए मैंने ये तीनों कुंजियाँ प्रेस कर दी। मैंने क्या किया, तीनों कुंजियाँ प्रेस कर दी। तीनों कुंजियाँ प्रेस करने के बाद जब ये मेरा विक्षेप विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको स्थिर होने तक रुकूंगा, क्योंकि हम यहाँ फाई को क्या बोल रहे हैं, स्टडी डिफ्लेक्शन, यानी इसको स्थिर होने तक मैं वेट करूँगा। जैसे यह मेरा स्थिर हो गया, माना कि लगभग यहाँ से स्थिर हो गया, या जीरो पर हुआ या वन पर स्थिर हो गया, तो मैं यहाँ से वन ओम प्रतिरोध रिलीज करूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने वन ओम प्रतिरोध रिलीज किया, वन ओम प्रतिरोध जैसे मैं रिलीज करता हूँ तो ये अगेन विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। और ये एक स्थिति में ऐसा होता है कि ये लगभग जैसे यहाँ पर हमारा कितना आया, वन ओम पर 0.3 आया, तो एक स्थिति में क्या होता है कि ये जीरो और लगभग 0.5 के मध्य रहता है, तो मैं इसका लगभग माध्य लेकर इसको 0.3 नोट कर लेता हूँ। अगेन नेक्स्ट टाइम में मैं यहाँ 2 ओम निकालूंगा, 2 ओम निकालने पर ये माना कि 0.5 और 1 के मध्य ये विक्षेप कर रहा था, तो मैंने नोट किया तो 0.6 आ गया। इस प्रकार से हमें यहाँ पर फाइव की रीडिंग नोट कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एक तो थीटा 11 की रीडिंग नोट करते समय C2D कनेक्ट करेंगे, इसको प्रेस करके रिलीज करेंगे, इस तरफ जाएगा वो नोट नहीं करना, इस तरफ जाएगा उसको थीटा 1, और फिर अगेन थीटा 11 नोट कर लेना है। सेकंड बात आती है फाई को ज्ञात करने के लिए, हम इसको पूरा कर रहे हैं परिपथ को, और इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं, और प्रतिरोध को निकाल कर स्टडी डिफ्लेक्शन की स्थिति प्राप्त होने पर हम हमारी रीडिंग नोट कर रहे हैं। ओके, अब गणना की बारे आते हैं, तो गणना के लिए हमने यहाँ पर थीटा 11 को नोट कर रखा है। यहाँ से θ1/θ11 का ये अनुपात निकाल लिया, क्योंकि ये हमें किसमें चाहिएगा, लेमडा की ज्ञात करने में, तो यहाँ से हमने लेमडा के फॉर्मूले से लेमडा ज्ञात कर लिया, यहाँ से λ/2 ज्ञात कर लेना है, फिर यहाँ से हमने r/φ का अनुपात ज्ञात कर लेना है। r/φ का अनुपात ज्ञात किया तो हमारे पास इसका माध्य है 0.3, और यहाँ पर जैसे हमारे पास r/φ की वैल्यू यदि हमारे पास अलग अलग आती तो हम क्या करते हैं, m1 के लिए अलग ज्ञात करते हैं, ये जैसे कैलकुलेशन कर रखी है, m2 के लिए अलग करते हैं, m3 के लिए अलग करते हैं, फिर उनका माध्य लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू सेम आ रही है तो हम एक ही रीडिंग में m का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग ज्ञात करें तो भी सेम ही आना है, और एक में ज्ञात करें तो भी सेम आना है। अब बात आती है हमारे आवर्तकाल को ज्ञात करने की, आवर्तकाल ज्ञात करना भी महत्वपूर्ण बात है। तो आवर्तकाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे बीजी के दो वायर हैं, एक तो यहाँ से रिलीज कर दिया और दूसरा वायर यहाँ से रिलीज कर दिया, रिलीज करके उसको हम अपनी जीभ पर टेस्ट करेंगे, तो यह जैसे ही हमारा ये विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा तो मैं यहाँ से जैसे मैं नोट करना शुरू करूँगा तो ये इस तरफ जाके वापस आएगा, तो यहाँ एक दोलन हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे दोलनों की संख्या गिनने के साथ टाइम नोट करना है, जैसे 5 दोलन पूरे होने पर 12 सेकंड, 10 दोलन पूरे होने पर 24 सेकंड, इस प्रकार से यहाँ से मैंने आवर्तकाल ज्ञात कर लिया। अब बात आती है इन सारी वैल्यूज को मेरे फॉर्मूले में रख के रीडिंग याद करना, कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इजी कुछ हमारे पास ये फॉर्मूला है, r/φ की अनुपात का माध्य r/3, आवर्तकाल 2.4 है, और θ1 है 9.2, और मल्टीप्लाई विथ ये λ/2 कितना है 0.0127, तो ये हो जाएगा 1.0127 दिस भाग 2 × 3.14, यानी 2π का भाग देना है, ये हमारे पास आ गया 10.53 हेनरी। ओके, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। दोस्तों मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, और ये वीडियो मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भविष्य में आपको इस प्रकार की और बेटर सर्वाइव प्राउड करवा सकूँ। माई सेल्फ सुरेंद्र किलेरी, आप हमारे चैनल पर विजिट करके अन्य प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आ चुका है जिसके लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो, और अन्य मैथमेटिक्स सॉल्यूशन वगैरह भी मैं आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी आप देख सकते हो।